Hi dear students and dear friends, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. In this video series we are discussing trigonometry of class 10th. Today we are going to discuss exercise 8.4 so far as NCERT syllabus is concerned. Dear students, before going to exercise part we have to keep some important formulas in our mind, and these formulas are very, very important, and these formulas will help us in our future classes. So what are these formulas? These formulas are like this: sin square theta plus cos square theta, it is equal to 1. 1 plus tan square a, it is equal to sec square a. Cot square a plus 1, it is equal to cosec square a. So these are very three important formulas which we have to keep in our mind. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, sometimes exam में क्या होता है, कभी कभी इनका proof भी पूछा जाता है. We have to prove how sin square theta plus cos square theta it is equal to 1. बेटा proof is very simple. चलो दो तीन मिनट में आपको इनको proof बता दूंगा. Very simple proof है. See, अगर मैं पहले इस वाले को लूंगा, proof of first year, sin square theta plus cos square theta का, इसका मैं proof निकालता हूँ. बेटा if it is right triangle, and if it is right triangle, then we can easily apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या बताता है? Hypotenuse square, it is equal to base square plus perpendicular square. In right triangle ABC, using PG Pythagoras theorem. It is equal to AC square, AC hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, that is BC square plus AB square. बेटा ये इक्वेशन आपको जहन में रखनी है, बस इसी इक्वेशन से तीनों फार्मूलाज का प्रूफ निकलेगा. हैव यू गॉट द पॉइंट? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. देखो बेटा मुझे क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ साइन के डिवाइड साइन की फार्मूला क्या है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. तो मैं आपको ये हिंट बताता हूँ हाउ टू लर्न दिस फार्मूला, हाउ टू लर्न दिस ट्रिक. अगर हम साइन की बात, पहले साइन है, साइन के डिवाइड में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, डिवाइडिंग थ्रोड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है यहां? ए सी स्क्वायर. नाउ जरा करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. थ्रू आउट लगाना है, डिवाइड क्या, बट ए सी स्क्वायर, वेरी गुड. ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर. बेटा ए सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, वेरी गुड. बेटा सी, अगर एंगल ए की बात, एंगल को ए को इक्वल एंगल मानो. सी व्हाट इज दिस बी सी, व्हाट इज बी सी? इट इज बेस, वेरी गुड, इट इज बेस. व्हाट इज ए सी? इट इज हाइपोटेन्यूज प्लस. व्हाट इज ए बी? इट इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर. एंड व्हाट इज ए सी? इट इज हाइपोटेन्यूज. 1 इज इक्वल टू, लेकिन स्क्वायर अपना साथ ही है, यू गॉट द पॉइंट. बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये किसकी फार्मूला है बेटा? दिस इज कॉस, लेकिन अपना स्क्वायर भी है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, हैव यू गॉट द पॉइंट. प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसकी फार्मूला है? साइन की, साइन स्क्वायर ए. मुझे आई थिंक यही निकालना था हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. अब मैं थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस, साइन स्क्वायर ए प्लस cos square a it is equal to 1, hence proved. So this was formula first. Now coming to the formula second, proof of second, ठीक है, proof of second, very good. ये जो equation है, now we will divide this equation. बेटा ये tan है ना, यहां हिंट में आपको बता, tan की फार्मूला क्या है? tan sin cos tan, tan के डिवाइड में क्या होता है? बेस होता है. तो ये एक हिंट है. तो वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय बेस का स्क्वायर. सी, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बेस, बी सी स्क्वायर,
नाउ क्या बनता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल, इसी को हमने थ्रू आउट डिवाइड करना है बी सी स्क्वायर से। वेरी गुड, बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। बेटा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, बी सी बाई बी सी इट इज वन प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, इट इज सेक्स स्क्वायर, लेकिन अपना स्क्वायर साथ में ही है। वेरी गुड, सेक्स स्क्वायर ए, वेरी गुड, इज इक्वल टू वन प्लस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, इट इज टेन स्क्वायर ए, इट इज टेन स्क्वायर ए। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू विच इंप्लाइज वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए। दिस वॉज फार्मूला सेकेंड। नाउ दिस इज फार्मूला थर्ड। फार्मूला थर्ड में आपको यहां हिंट देता हूं बेटा, कॉट है साइन कॉस टेन, कॉट के साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। बेटा ये जो ये कॉट होता है इसके डिवाइड में क्या होता है, परपेंडिकुलर। इक्वेशन फर्स्ट को थ्रो आउट बाई डिवाइड करेंगे विद परपेंडिकुलर एंड वी विल गेट द रिजल्ट। कैन आई रब दिस बोर्ड या इस तरह डिवाइडिंग, ये प्रूफ है किसका, थर्ड का प्रूफ, थर्ड डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी का स्क्वायर। वेरी गुड, ए बी का स्क्वायर, ए सी बाई ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए बी, इट इज वन, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए इज बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, इट इज व्हाट, कॉट स्क्वायर, बेस बाई परपेंडिकुलर, इट इज कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन। तो हमें भी इनिशियल प्रूव करना था, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, विच इंप्लाइज कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। सो दिस वॉज द प्रूफ ऑफ दिस थ्री वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है यू हैव टू गिव प्रूफ फॉर दिस ऑल दिस थ्री आइडेंटिटीज, तो मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में हमें सिर्फ इन तीन फार्मूलाज का यूज करना पड़ेगा एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। वी रिक्वेस्ट टू यू, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियोज फर्स्ट टाइम, काइंडली गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोज एंड लर्न द बेसिक थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस वीडियोज। वंस यू विल लर्न द बेसिक थिंग्स डेफिनेटली यू विल सॉल्व एनी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंटली। सो आज की इस वीडियो में इतना काफी है। इसी के साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहे, हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हमारी इस वीडियोस को शेयर करना ना भूले, और दूसरी बात अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, बिकॉज योर कमेंट्स मैटर्स फॉर अस, योर अप्रिशिएट मैटर्स फॉर अस, योर फीडबैक मैटर्स फॉर अस। किन चीज़ों की ओवर इंप्रूवमेंट की जरूरत है काइंडली वो सब आप कमेंट बॉक्स में बता देना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहना। आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।